ईश्वर ही है और है कौन। होली तब तक जलेगी जब तक हमारी सारी मान्यताएं नष्ट नहीं हो जाती, भस्म नहीं हो जाती, तब तक इस होली को बंद न किया जाए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। भक्ति कौन इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, मैंने क्या समझा है, भक्ति कौन, मैं कौन, भक्ति कौन, किसको मैं बोल रहा हूं, किसको भक्ति कौन कह रहा हूं, क्या भक्ति कौन में स्वाद आने लगा है, कहीं उससे ऊब कर छोड़ न दो, कहीं सत्य से उब कर भ्रमित होकर सत्य को छोड़ न दो, इसके लिए भक्ति का कौन त्रिकोण आवश्यक है। आप ध्यान में बैठे हो और आपके सामने होली कुंड है, होली हवन कुंड, पवित्र हवन कुंड, भक्त प्रहलाद जिससे शुद्ध होकर बाहर आया और निखर कर बाहर आया, भक्त प्रहलाद की तरह आप बैठे हो हवन कुंड के सामने। मैं कौन, भक्ति कौन, मैं कौन है, भक्ति कौन है, जो भी विचार ध्यान भटकाते हैं उन्हें होली में डाल दो, पवित्र हवन कुंड में डाल दो। सही माने में होली मनाओ। जो भी विचार परेशान कर रहा है इस वक्त उसे हवन कुंड के हवाले करो। कोई भी मान्य कथा, कोई भी मान्यता, रॉन्ग बिलीफ, गलत धारणा जो आज है या कल थी या जो चलते रहती है, अजम्पशन जो मानकर बैठे हैं कि इतनी उम्र के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, रिश्तों में झगड़े होना जरूरी है, मंदी है, सब बंद हो रहा है, अकाल है,
कोई भी मान्य कथा, गलत धारणा होली में डाल दें, हवन कुंड में डाल दें। कोई भी विचार जो मूर्खता पूर्ण विचार हो, आज हो या कल था या जो आते रहता है, उसे हवन कुंड में डाल दो। लोग मेरा बुरा चाहते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, परिवार के लोग नहीं रहेंगे, श्रवण बंद कर देना है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी मूर्खतापूर्ण विचार जो आगे प्रार्थना बनेगा, रूप लेकर प्रस्तुत होगा, उसे हवन कुंड में डाल दें, मुक्त हो जाए। सब हवन कुंड में डालकर खुद से कहें, मैं मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ, मुक्ति हूँ। अब मैं मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ, मुक्ति हूँ। फील करें, मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ, मुक्ति हूँ। यह भक्ति की युक्ति है। भक्ति कौन के साथ खाली होकर कृपाओं पर मनन करके मंथन करके जो कुछ न होने का एहसास महसूस हो रहा है, उसी में ईश्वर अपना गीत गाना चाहता है। आप बांसुरी की तरह केवल उपस्थित रहें। होली जल गई है, धूल का वंदन हुआ है, अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सही माने में हॉलीडे कैसे मनाना चाहिए। होली का अर्थ पवित्र भी होता है। पवित्र दिवस कैसे मनाया जाए। होली यानी ज्ञान की अग्नि कैसे जलाई जाए। और कोई यह न समझ ले कि यह तो मार्च में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कल भी होली चल रही थी, आज भी होली है और कल भी होगी।
होली तब तक जलेगी जब तक हमारी सारी मान्यताएं नष्ट नहीं हो जाती, भस्म नहीं हो जाती, तब तक इस होली को बंद न किया जाए। इसलिए कहा सिर्फ मार्च में मनाने वाला त्यौहार नहीं है, इस दिन पर हम समझते हैं कि कैसे हमारे जीवन में होली जले और कब तक जले, किस महीने तक जले। आज समझ लें कि तीन मुख्य बातें इसमें जलाई जाती है। तो तीन चीज़ों की आहुति देनी होती है, यज्ञ है, ज्ञान अग्नि है, और इस ज्ञान अग्नि में जो भी असत्य होगा वो जल जाएगा, जो सत्य होगा वही निखर कर बाहर आएगा। इसलिए सत्य कभी घबराता नहीं है, आग में जाने से सत्य घबराता नहीं है, प्रहलाद नहीं घबराए। होली का जो मान्यताओं की प्रतीक है, क्योंकि तोलुमन की बहन है, तोलुमन कॉन्ट्रास्ट मन, हमारे अंदर वह मन जो लगातार कमेंट्री करते रहता है, बातचीत करते रहता है, बात करने वाली बीमारी, हमारा मन जो है वो हरणाकश्यप का प्रतीक है, और होलिका उसकी बहन है मान्यताएं। तोलू मन को लगता है मान्यताओं के साथ सत्य को रखेंगे तो सत्य भस्म हो जाएगा, मगर क्या कभी ऐसा होगा कि रोशनी को अंधेरे के साथ रखा जाए और रोशनी नष्ट हो जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ये भ्रम टूटा होली के दिन, हरणाकश्यप का तोलू मन का ये भ्रम टूटा जब होलिका के साथ सत्य को बिठाया गया, प्रह्लाद को बिठाया गया, देखा गया मान्यताएं जल गई और प्रह्लाद सही सलामत निखर कर बाहर आया। ये प्रतीकों की कहानी आपने सुनी है, मगर आज समझे कि हमारे अंदर क्या अष्ट मान्यताएं है, हमारे अंदर क्या अष्ट माया है, हमारे अंदर क्या अष्ट इच्छाएं है, इनको इस होली में दहन करना है। अष्ट माया शब्द कहा तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो नहीं है और दिखता है, आभास होता है, उसे कहा गया है माया। सिर्फ हमें पता हो कि माया क्या है, और अग्नि जो हो, सचमुच अग्नि हो, तो माया भस्म हो जाएगी और जल्द से जल्द हम वह आनंद प्राप्त करें जो मान्यताओं की होलिका जलने के बाद मिलता है। प्रह्लाद को जो आनंद मिला, क्योंकि भक्ति बची, मान्यताएं हटी तो भक्ति बची, वो भक्ति और निखर कर आ गई। भक्ति कैसे निखर कर आती है, होली में सत्य जाने से कभी घबराता नहीं है, असत्य ही घबराता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।